नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वॉशिंग मशीन का जो वॉश टाइमर होता है, जो 7 वायर वाला वॉश टाइमर स्विच आता है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, स्विच है, एक तरफ 3 वायर है और दूसरे तरफ 4 वायर है। तो यदि किसी को जानकारी नहीं है कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, तो साधारण सा उपाय है, सिंपल सा उपाय है। इसमें देख रहे हैं, एक लंबा वायर है, एक छोटा वायर है और एक भूरे कलर का वायर है, और एक साइड में 3 वायर हो गया और दूसरे साइड में एक भूरे कलर का और एक ग्रीन कलर का, बाकी येलो कलर का 2 वायर है। तो ये लंबा सा है, इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। यदि आपको कलर से मतलब नहीं है, कोई भी कलर हो सकता है, वॉच टाइमर में कोई भी कलर चेंज करके आता है, तो उसको पहचानने के लिए आपको नंबर से पहचानना होगा। तो यहाँ पर हम वॉच टाइमर मोटर के बदले 2 बल्ब लिए हैं, जो कि रनिंग स्टार्टिंग का काम करेगा। तो रनिंग स्टार्टिंग के लिए मोटर में 3 वायर निकलता है, तो इसमें 3 वायर हम निकालेंगे। और ये जो वॉच टाइमर हो गया, यहाँ पर ये बजर हो गया, जो कि एक स्पीकर लगा होता है कोई कोई वॉशिंग मशीन में, कि आपका जो मान लीजिए वॉशिंग मशीन चल रहा है और कोई काम में आप उलझ गए होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वॉशिंग मशीन बंद हो चुका है, तो इसी से पता चलता है। तो यहाँ फर्स्ट वाला वायर, जो छोटा वाला वायर है, तो एक वायर को हम स्पीकर में ज्वाइंट कर देंगे, बाकी दूसरे दूसरे जो वायर है भूरे कलर का, ये जो आप भूरे कलर का वायर देख रहे हैं, जो 3 वायर है उसमें से एक वायर बीच वाला भूरे कलर का, और दूसरे साइड में जो 4 वायर निकला हुआ है, ग्रीन वायर छोड़ के दूसरा वायर भूरा कलर का, दोनों वायर को क्या करेंगे कि वापस में कनेक्ट कर देंगे, वापस में ज्वाइंट कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने वापस में ज्वाइंट कर दिया। बाकी एक साइड में जो 3 वायर निकला हुआ है, एक वाइट कलर का वायर बच रहा है, इसमें क्लिप लगा हुआ है। और यहाँ पर जो मेन लीड है, मेन लीड में न्यूट्रल फेज 2 सप्लाई आता है, तो एक सप्लाई को क्या करेंगे, इसमें हम दे देंगे, इसमें देकर और यहाँ से हम टेपिंग कर देंगे। यहाँ पर मान लीजिए फेज सप्लाई, कोई भी स्विच में फेज सप्लाई दिया जाता है, तो ये आपका फेज सप्लाई हो गया। यहाँ हम आपको एक थ्योरी की तरह आपको बतला रहे हैं। तो यहाँ पर आप दूसरे साइड में जो 4 वायर है, इसमें एक येलो कलर का 2 वायर वापस में लंबा सा वायर है, तो वापस में लपेटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 बल्ब है, तो दोनों बल्ब का एक एक वायर, कोई भी एक एक वायर वापस में ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, 3 वायर हो गया, तो ब्लैक कलर का दोनों वायर जो आपस में कनेक्ट किए हैं वो कॉमन हो गया, बाकी रेड कलर का दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग का हो गया, जो कैपेसिटर पर जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों येलो कलर का दो वायर है, तो यहाँ दोनों रेड कलर वायर में हम ज्वाइंट कर देंगे, हो गया। बाकी ब्लैक कलर का वायर जो बचा हुआ है, तो इस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ जो मेन लीड का एक वायर अभी बचा हुआ है, तो उसका जो वायर का कनेक्शन है, यहाँ ब्लैक कोला पर हम कर देंगे। तो यहाँ ब्लैक कोला पर हो गया और यहाँ येलो कलर का दोनों रेड कलर का वायर पर कनेक्शन हो गया। और बाकी एक स्पीकर का जो वायर बचा हुआ है बजर का, तो यहाँ ग्रीन कलर का एक वायर बज रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ जो बजर है, बजर का एक वायर जो बचा हुआ है, इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे। अब इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन रेडी हो चुका है। आपको ध्यान देना है कोई भी वायर वापस में शॉर्ट ना हो। अब चलिए, इसमें हम सप्लाई देकर चेक करके दिखा देते हैं। इसमें सप्लाई दे दिए हैं, अब यहाँ से स्विच को हम घुमाएंगे, जितने आप स्विच घुमाएंगे उतना समय आपका लेगा। तो यहाँ घुमाने के बाद में आप देख रहे हैं, पहले एक बल्ब जल रहा है, उसके बाद में ऑफ हो जा रहा है, साफा के लिए ऑफ हो जा रहा है, उसके बाद में दूसरा बल्ब
जल रहा है। इससे आपको पता चलता होगा कि रनिंग स्टार्टिंग जो वाश मोटर जो होता है, एक बार उल्टा घूमता है और एक बार सीधा घूमता है, इस तरह से घूमता रहता है। तो क्या होता है, कपड़ा धुलता है। उसके बाद में आपको यदि वाशिंग मशीन कपड़ा धुल देता है, तो वाशिंग मशीन जब बंद होने के पीरियड में आता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि बजर बजता है, अलार्म बजता है कि आपका वाशिंग मशीन बंद होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम 7 वायर वाला जो वाश टाइमर है, इसका कनेक्शन किए हैं, और अगला वीडियो में हम पूरा फुल कनेक्शन करके दिखाएंगे। जो वाश टाइमर होता है, 3 वायर से लेकर 9 वायर तक आता है, तो हर वाश टाइमर के बारे में हम एक एक जानकारी देंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह से हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।